Hello students, welcome to UK classes. I'm Saurav. In the last class I discussed present continuous tense and some stative verbs. I hope aap logon ko samajh mein aaya hoga. Today I'm going to deal with present perfect tense. So let's begin. हमेशा की तरह मैं शुरू करूंगा स्ट्रक्चर से. कि स्ट्रक्चर जानना और याद रहना बहुत जरूरी है वॉइस और नरेशन के लिए. इसीलिए मैं आपको स्ट्रक्चर लिखता हूं हर बार, और स्ट्रक्चर के बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो स्ट्रक्चर की शुरुआत हम हमेशा की तरह करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस से, और पॉजिटिव सेंटेंस ही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं पॉजिटिव लिखता हूं यहां पे, ठीक है. इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहां पर हैज होगा या हैव होगा. और इसके साथ साथ आपको याद रहना जरूरी है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रैंडमली तो नहीं याद आएगा. मैंने पहली क्लास में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, आज फिर दोहरा देता हूं. जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है प्लीज उससे वर्ब के तीनों फॉर्म कुछ कुछ वर्ब्स करके याद करना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट 20 अ डे, ठीक. और बाकी वर्ड्स के लिए अभी मैं यहां पर ऑब्जेक्ट लिखता हूं. धीरे धीरे चीजें यहां बदलेंगी अभी, ठीक है. ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. और मैं एग्जांपल दूं उससे पहले एक सवाल आपके भी दिल में आ रहा होगा और मैं भी बताना चाहता हूं कि ऑब्लिक डाल के मैंने हैज और हैव लिखा है. ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. मैंने बहुत बच्चे कंफ्यूज होते देखे हैं कि हैज कहां लगाते हैं और हैव कहां लगाते हैं. मैं वो कंफ्यूजन आपका तुरंत दूर कर देता हूं. मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाद में मैं आपको मिटा के फिर वापस अपनी क्लास को कैरी ऑन करेंगे. आई यू वी दे और मोर देन वन नेम. जब एक ही सेंटेंस के अंदर आप एक से ज्यादा नाम या एक से ज्यादा इंसान की चर्चा करेंगे तो ध्यान रखिएगा वहां आप हैव लगाएंगे. बात आ गई समझ में, क्या क्या बोला मैंने. मैंने आपको बोला कि आई सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, यू वी दे या एक नाम से ज्यादा हो. सौरभ एंड वैभव, बनी एंड आद्या, ये सब क्या है, मोर देन वन नेम है. तीन चार पांच भी हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं. वहां आप क्या करेंगे, आप हैव लगा देंगे, ठीक है. ये पहली चीज थी. और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, आप क्या बच गया हमारे पास, ही शी इट, या जब एक नाम होगा वन नेम. तो इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम लगाते हैं हैज. बात आ गई समझ में, क्लियर है मुद्दा. तो ये हैव हैज मैंने लिखा, मैंने आपको समझा दिया हैव कहां लगाते हैं, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और जब सेंटेंस में एंड से जुड़ा हुआ एक से ज्यादा नाम हो, ठीक. और दूसरा मुद्दा क्या है हमारे पास, ही शी इट, या सेंटेंस में कोई एक नाम हो, आप सिर्फ उमेश बोले, सिर्फ उपासना बोले, सिर्फ सौरभ बोले, सिर्फ वैभव बोले, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां हम हैज लगा देंगे, ठीक है. बात क्लियर है, फटाफट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं सेंटेंस में आगे आपके लिए चलूं. जल्दी से लीजिएगा, डन. चलिए अब मैं आपको दो सेंटेंसेस में एग्जांपल समझाता हूं, ठीक. तो अब अगर मैं किसके साथ हैज लिखूंगा, किसके साथ हैव लिखूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. पहला एग्जांपल है आपका, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक. एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड जम्मू वंस. बात आ रही समझ में आप लोगों के, ठीक. अब तो कोई दिक्कत नहीं कि सर सी के साथ यहां हैज क्यों लगा दिया, ठीक. ये ही शी ये सब अपने साथ हैज लेंगे,
और आई के साथ हैव लगाया तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा स्ट्रक्चर मिलाकर देख लीजिए, सब्जेक्ट है आपके पास हैज हैव, समझ में आ गई बात। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये दोनों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिमेनिंग वर्ड्स के लिए, अदर वर्ड्स के लिए अभी हमने ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया। ठीक, चलिए अब इसी में देखते हैं कि अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो पहले फिर से मैं स्ट्रक्चर लिख दूं, हैज हैव। अब यहां पहले आप निगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अभी साथ में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बाकी जो बच गए अदर वर्ड्स। बात आ रही है समझ में, यहां क्या जुड़ गया, यहां नॉट जुड़ गया। जो आपके पास ऊपर दोनों सेंटेंसेस हैं इन्हीं का निगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट शी हैज। अब यहां पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगाना है सेंटेंस को निगेट करने के लिए, निगेटिव बनाने के लिए। तो शी हैज नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हैज नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन। बात आ रही है समझ में। अब यहां क्या था कि उसने एग्जाम पास कर लिया है और नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, शी हैज नॉट पास द एग्जामिनेशन, मतलब उसने एग्जाम पास नहीं किया है। ठीक, अब दूसरे सेंटेंस को भी निगेट कर ले, आई हैव फिर यहां नॉट ले आइए, आई हैव नॉट विजिटेड जम्मू वंस। ठीक, पहला था मैं एक बार जम्मू गया हुआ हूं, यह है कि मैं जम्मू एक बार भी नहीं गया हुआ। क्लियर है बात। ठीक, जरा फटाफट आप इसको पेन डाउन कर लें, आप इसको पेन डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले लें। चलिए अब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब तीसरी चीज इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं किसी से क्वेश्चन पूछना। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यस नो वाले सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। यहां हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, हैज हैव। ठीक, अब आएगा आपका सब्जेक्ट, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। एक बार ध्यान रखिएगा क्या है ये, इंटरोगेटिव, तो डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब चलिए जो एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे उन्हीं का जरा इंटरोगेटिव बना के देख लेते हैं। आपका पहला पॉजिटिव सेंटेंस क्या था, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन, शी हैज पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहां पर हैज बाहर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट, और क्या पास किया भाई, तो एग्जामिनेशन, उसको आप लास्ट में लिख देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। ठीक, तो क्या हो गया पहला सेंटेंस, हैज शी पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या उसने परीक्षा पास कर ली। ठीक, दूसरा जो आपका सेंटेंस था वो क्या था, वो सेंटेंस था कि आई हैव विजिटेड जम्मू वंस, आई हैव विजिटेड जम्मू वंस। तो यहां क्या हो जाएगा, हैव आई विजिटेड, हैव आई विजिटेड जम्मू वंस। फिर से क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। बात आ रही है समझ में, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज हैव है और जो मेन वर्ब है उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। ठीक, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यस नो वाले सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंसेस में समझा रहा हूं अभी आपको, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव उसको हम बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, हैज शी पास्ड द एग्जामिनेशन, हैव आई विजिटेड जम्मू वंस। ठीक, अब कुछ बच्चों के दिल में यह सवाल जरूर आएगा कि सर आपने पॉजिटिव बताया,
नेगेटिव बताया, इंटरोगेटिव बताया, लेकिन आपने इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बताया, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, थोड़ा ध्यान रखिएगा यहां पर, इसका स्ट्रक्चर चूंकि इंटरोगेटिव है तो हैज हैव को आप बाहर रखेंगे ही रखेंगे, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और ये ध्यान रहे है तो इंटरोगेटिव ही, भले नेगेटिव इंटरोगेटिव है, डू नॉट मिस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या था, हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव में हैज शी पास द एग्जामिनेशन। अब आप क्या करेंगे, हैज शी नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, हैज सी नॉट पास्ड द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेगा। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट विजिटेड जम्मू वंस। बात आ रही है समझ में, ठीक। अब आपका ये क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब आपने सवाल तो पूछा ही है लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन आपने पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हैज शी नॉट पास द एग्जामिनेशन, क्या उसने एग्जामिनेशन नहीं पास किया, यू नीड द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर, फाइन। दूसरा, हैव आई नॉट विजिटेड जम्मू वंस, क्या मैं एक बार जम्मू घूम के नहीं आया हूं, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। ध्यान क्या क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना कि इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, ठीक। मैं यस नो वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूएच वाले की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक। दोनों में क्या हुआ, आपके हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गए, और इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या होगा, नॉट आ जाएगा, क्लियर है। चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसको पेन डाउन कर लीजिए। चलिए अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम चलते हैं यूसेज पर, ठीक, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आपको यूज कहां कहां करना है। अब जरा यूसेज की बात करते हैं, तो ये आप जानते होंगे और बचपन में आपने जब आप स्कूल टाइम में टेंस पढ़ रहे थे तो आपने सुना भी होगा, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है कोई काम, तो क्या होगा, आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो मैं पहले यूज लिख देता हूं, इट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन, इट एक्सप्रेसेस एनी एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड, That has recently finished, और हिंदी में जिनको समझना हो उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं, जो अभी समाप्त हुआ है, ठीक। बात आ रही है समझ में, कहां यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कोई भी काम बताने के लिए, एनी एक्शन जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शी हैज ब्रोकन हर लेग, ठीक। अब मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, इन सेंटेंसेस को समझने के लिए प्लीज वर्ब के फॉर्म से याद करिए, वरना कोई बोलोगे सर ब्रोक क्यों नहीं लिखा, सर ब्रोकन क्यों नहीं लिखा, है ना। मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए शुरू में बता देता हूं कि आपको ध्यान रहे कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, ठीक। तो पहला सेंटेंस क्या है आपका, शी हैज ब्रोकन हर लेग, मतलब अभी कुछ ही टाइम हुए हैं उसने अपना पैर तोड़ लिया या तोड़वा लिया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
ठीक, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब ये अभी नियर पास्ट की बात चल रही है कि कुछ ही टाइम पहले ये खत्म हुआ है, ठीक है। ही हैज रिमेंबर्ड हिज लेसन्स, मतलब उसको जो भी होमवर्क मिला था वो उसने रिमेंबर कर लिया, जो भी अध्याय उसको याद करने थे वो उसने याद कर लिया, ठीक। बात आ रही है समझ में? तो ये जो आपके मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म है, ये हैज हैव इन सब के साथ मिलकर क्या करते हैं, उन एक्शन की चर्चा करते हैं जो अभी हाल में ही समाप्त हुए हैं, अभी कुछ टाइम पहले खत्म हुए हैं, ठीक है। बात आ रही है समझ में? टू एक्सप्रेसेस या टू एक्सप्रेस एनी एक्शन दैट हैज रिसेंटली फिनिश्ड, हाल में जो समाप्त हुए हैं, ठीक। सेंटेंसेस आपके सामने है, फटाफट इस रूल को और सेंटेंसेस को जल्दी से लिखिए। चलिए अब देखिए इसका यूज नंबर टू, ठीक। पहला यूज आपके समझ में आ गया, अब हम दूसरे की बात करते हैं। फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, for an action that started in the past and is still continuing and is still continuing, मतलब कोई भी काम, action मतलब कोई भी काम जो past में start हुआ है और अभी भी चल रहा है, कोई भी काम जो past में start हुआ है और अभी भी चल रहा है, वहां भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मुझे आपके लिए बताने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का, ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, ठीक। अपने पहले आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूं। पहला सेंटेंस है आपके लिए, I have lived here for 10 years. ठीक है? She has played badminton for 2 hours. ठीक, बात आ रही है समझ में, है ना। अभी मैं एक दो सेंटेंस और आपके लिए लिख रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। He has been ill. He has been ill since मंडे, ठीक। अब देखिए, अब मैंने आपको सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में मैंने फॉर लिख दिया और एक सेंटेंस में मैंने सिंस लिख दिया, ठीक। तो मैं पहले इनके मीनिंग आपको समझा दूं। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years, मतलब मैं 10 साल से यहां रह रहा हूं, मतलब ये एक्शन कब शुरू हुआ था, 10 साल पहले, और अभी भी कॉन्टिन्यूड है। दूसरा सेंटेंस, शी हैज प्लेड बैडमिंटन फॉर 2 hours, मतलब बैडमिंटन खेलने का जो काम था वो 2 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी कॉन्टिन्यूड है। और ही हैज बीन इल सिंस मंडे, ये बीन देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की याद आ रही है, कि ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये बी का थर्ड फॉर्म है, बी वॉज बीन, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले मेन वर्ब्स को याद कर लीजिए, ठीक। अब एक छोटी सी बात आपके दिमाग में चल रही होगी, इसलिए एग्जांपल्स हो गए, बात भी समझ में आ गई। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो यूज है इसका, ये दोनों के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए भी है। उसके स्ट्रक्चर पे हम बाद में चलेंगे, अभी आपको क्या समझना है कि कोई भी काम जो पहले शुरू हो चुका है और वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है, वहां पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चूंकि कुछ बुक्स में सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है,
आप प्रेजेंट परफेक्ट से भी बता सकते हैं कि ये काम फलाने टाइम में शुरू हुआ था या इतने ड्यूरेशन में चला और अभी भी कंटिन्यूड है. ठीक. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स. शी हैज प्लेड बैडमिंटन फॉर 2 आवर्स. मतलब वो 2 घंटे से बैडमिंटन उसका खेलना चल रहा है. और ही हैज बीन इल सिंस मंडे. मतलब वो मंडे से बीमार है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर जाननी है वो ये है कि फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है. वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है फॉर और सिंस समझाना. ये मैं प्रीपोजिशंस जब आपको कराऊंगा तब डिटेल में आपको कराऊंगा. अभी मैं आपको इसका बेसिक्स समझा देता हूँ कि जो आपके जानने लायक चीज है कि कहाँ हमें लगाना है फॉर और कहाँ हमें लगाना है सिंस. देखिएगा ध्यान से और समझिएगा. फॉर और दूसरा है आपके पास सिंस. ठीक. फॉर हम लगाते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब है कि कोई भी काम कितने दिन कितने महीने कितने घंटे चला यही आपको पता चलता है. मतलब आपको फिक्स टाइम नहीं पता. मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स. मतलब मैं 10 साल यहां रहा हूं लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताया है ना. कोई 2 घंटे से कोई काम कर रहा है तो आप कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं लेकिन सेंटेंस में आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा. पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता चल रहा. उसी को हम क्या बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मतलब ये आपको ड्यूरेशन बताता है वो अंतराल बताता है वो टाइम बताता है जितनी देर ये काम चला है. ठीक है. तो यहां पर आप कैसे कैसे एग्जांपल लीजिएगा. जैसे फॉर 2 मंथ्स. फॉर 5 इयर्स. फॉर 3 आवर्स. ठीक. इसी में आप डेकेड्स जोड़ लीजिए फॉर अ लॉन्ग टाइम जोड़ लीजिए. ठीक. अभी आप मोटा मोटा इतना ही समझिए. और सिंस क्या है. सिंस आपको बताता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस क्या बताता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. मंडे से संडे से जून से 1947 से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे से ये क्या है ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आप यहां क्या लिखिएगा सिंस 1947. सिंस 10 o'clock. आप एम पी एम भी इसमें जोड़ सकते हैं. सिंस आप वीक के नाम लिख लीजिए. डेज के जो आपके नाम है मंडे ट्यूजडे वेंसडे सैटरडे. आप मंथ्स के नाम लिख लीजिए जून जुलाई. ठीक. और जो बचपन का एक फेज है जवानी का फेज है वो भी इसी में गिना जाता है. तो सिंस चाइल्डहुड सिंस एडोलेसेंस. तो मैं एक आपके लिए और एग्जांपल लिख देता हूं. अभी ज्यादा परेशान मत आप होंगे इसको लेके क्योंकि बहुत डिटेल्ड चीज है जो मैं आपको प्रपोजिशन वाले टॉपिक में कराऊंगा. ठीक है. बात आ गई समझ में. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था. सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम फॉर कहां लगाते हैं और सिंस कहां लगाते हैं. तो फॉर कहां लगाते हैं जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं. कोई काम कितनी देर चला. ठीक. अभी 2 महीने चला ये तो नहीं पता चल रहा. मार्च अप्रैल चला जून जुलाई चला क्या पता चल रहा है कि काम सिर्फ 2 महीने चला. 5 साल की बात कर चल रही. कौन से 5 साल की बात. आजादी के बाद की बात आपके पैदा होने की बात अभी से 5 साल पहले की बात या 3 घंटे की बात चल रही. कौन से ना सुबह पता चल रहा है ना शाम पता चल रहा है. सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि हाँ भैया ये काम इतनी देर तक चला. ठीक. जब सिर्फ आपको ड्यूरेशन पता होगा तो आप क्या करेंगे फॉर लगाएंगे. और जब आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जानते हैं क्योंकि कैलेंडर में 1947 एक ही बार आएगा बार बार नहीं आएगा. मतलब क्या है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. अब 10 बजे या तो सुबह के होंगे या रात के होंगे ये क्या हो गया एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. वीक में मंडे एक ही बार आता है. साल में जून जुलाई ये सब एक ही बार आता है. और किसी भी इंसान के एक लाइफ स्पैन में बचपन या जवानी बुढ़ापा एक ही बार आता है. इसलिए क्या हो गया ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम हो गए. और पॉइंट ऑफ टाइम में हम क्या लगाते हैं सिंस लगाते हैं. तो मैं चाहूंगा आप फटाफट इसको पेन डाउन करें या स्क्रीन शॉट लें फिर हम आगे चलेंगे. चलिए ये लिखिए आपने.
अब मैं जो नेक्स्ट यूज आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट यूज बता रहा हूँ, ये सब भी इंपॉर्टेंट थे लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। उसमें कुछ वर्ड्स है, कुछ एडवर्ब्स है, बेसिकली एडवर्ब्स मैंने आपको समझा दिया था, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनकी वजह से उन वर्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले वो वर्ड्स आपको लिख देता हूं, फिर मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं। चलिए, अब वर्ड्स थोड़े ज्यादा थे इसलिए मैंने वर्ड्स और उसके एग्जांपल्स पहले ही लिख दिए हैं। अब देखिए क्या है ये, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपको, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, ये सब, ये सारे वर्ड्स जो हैं, मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, ये सारे हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे के सारे हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टाइम। और इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखिएगा कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब आप स्पॉट द एरर सॉल्व करने जाएंगे तो इसका आपको बहुत यूज मिलेगा। तो मेक श्योर कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो। और क्या आपको याद करना है कि जितने भी वर्ड्स हैं ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार वगैरह, ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज किए जाएंगे। और एक वर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये जो वर्ड है येट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब पहला सेंटेंस है कि द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैसे आपका मीनिंग क्लियर हो जाता है। अगर स्पोकन इंग्लिश में आप इसको बोल के निकल जाएंगे तो लोग समझ जाएंगे हाँ भैया ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया है। लेकिन बात क्या है कि यहां पे एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब कहां यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिर्फ यही आपका क्या है, यही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मतलब ऑलरेडी ये सब जहां भी होंगे तो वहां क्या होना चाहिए, वहां होना चाहिए हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंस देखिए क्या है, यहां पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखा है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दे रखा है, होना के फॉर्मेट में चाहिए था, हैज हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द ट्रेन, अब देखो ये क्या है, ये आई यू वी तो है नहीं, मतलब ये अपने साथ क्या लेगा, हैज लेगा, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहां आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जोड़ देना है, तो अब ये हैज हैव के साथ है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएगा। तो क्या हो गया आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट द स्टेशन, मतलब ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में था और आपको इसको किस में चेंज करना था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्लियर है बात। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही डिड वेल अप टू नाउ, अब इसको आप ठीक करके दे फटाफट, He did well up to now, मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं, यहां भी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लेकिन जब आप देख रहे हो और आपके पास ये वर्ड लिखा हुआ होगा और आपको याद होगा कि अप टू नाउ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट टाइम है, जिसका इस्तेमाल हमें कहां करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, हैज है, होगा और वर्ब की, हाँ जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे यहां पर, आप इस सेंटेंस को बदल देंगे, ही हैज, अब डिड सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ही हैज डन वेल अप टू नाउ, ही हैज डन वेल अप टू नाउ, यही क्या है, यही आपका गलत है। और इसी की जगह आपको क्या लिखना है, हैज डन लिखना है। जैसे यहां पे क्या हो गया था, सिर्फ लेफ्ट नहीं करना था, हैज लगाना था, तब वो वर्ब की
थर्ड फॉर्म कहलाता है। यही होता है बच्चों, देखो स्पॉट द एरर। आपको अगर रूल पता होगा, अगर आपको ध्यान है ये सारे वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हैं क्या क्या, एक बार मैं दोहरा रहा हूं, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सिर्फ, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, या नेगेटिव लिखने का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में ही इस्तेमाल करेंगे और कहीं नहीं करेंगे, लेटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, ठीक, अप टू द प्रेजेंट, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, सो फार, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यहां पे मंथ्स भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, प्लीज इन सारे वर्ड्स को कंठस्थ कर लीजिए, एकदम टिप ऑफ द टंग पे आपको याद होना चाहिए, तब जाके जैसे स्पॉट एरर में आपको ये सब कमियां नजर आएंगी तो आप जल्दी से डिटेक्ट कर पाएंगे कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक, क्लियर है मुद्दा। जरा इसी बात का तीसरा सेंटेंस भी देख लें, आई हैव बीन अवे फ्रॉम कॉलेज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स, तो ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू वीक्स, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स, इन सब में क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पहले से ही आपके पास हैव है, और ये मैंने बता दिया ये बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक, मतलब ये सेंटेंस ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अगर ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन में होगा तो आप नो एरर को टिक करते, दिस सेंटेंस हैज नो एरर, बात आ गई समझ में, तो फटाफट इसको पेन डाउन करें, स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहे ले, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मिस मत कीजिएगा, जल्दी से लिखें। डन, चलिए, ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस के आखिरी पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है ये दो टेंसेस को मिलकर बनाया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, यूज इसका एक ही है, लेकिन यूज से पहले हम चलेंगे हमेशा की तरह स्ट्रक्चर पे। ठीक, चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक, तो सबसे पहले मैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखता हूं आपके लिए। सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या क्या देंगे, यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया था वही यहाँ पर देंगे, हैज और हैव, और हैज और हैव को कहाँ यूज करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आएगा बीन, और वर्ब की, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको पहले लिख चुका हूं, फिर भी याद दिलाने के लिए लिख दूं कि ये आईएनजी वाला फॉर्म होता है, और इन सेंटेंसेस में फॉर और सिंस आपको जरूर लगाना है टाइम बताने के लिए, और फॉर और सिंस में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, ठीक, क्या है सेंटेंस आपका, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, ये ध्यान रखना है आपको, हैज हैव का यूज मैं आपको बता चुका हूं, और सेंटेंस में आईएनजी आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है एक बार थोड़ा समझ लें आप लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, यहां क्या होता है आपके पास, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, और यहां आपके पास होता है हैज, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो इन्हीं दोनों टेंसेस को मिलाकर हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप गौर करके देखें जरा, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मेन चीजें क्या है, आपका हेल्पिंग और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आपके पास आईएनजी फॉर्म है, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, एक हैज, एक हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपके पास हैज हैव भी है, तो इधर से क्या मिसिंग है, इधर से मिसिंग है आपका इज ए बार, मतलब हेल्पिंग वर्ब, और यहां आपका क्या मिसिंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्हीं दोनों को कंप्लीट करने के लिए यहां पर लिखा गया है बीन। पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं,
कि ये बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है। बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है। तो जब ये थर्ड फॉर्म है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, ठीक। और ये बी जो है ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब्स का फैमिली हेड भी होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का फैमिली हेड। ये जितना आपके पास इज एम आर वॉज वर है ये सब क्या है, बी फैमिली का हिस्सा होता है। तो ये इस हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ये इकलौता सेटिस्फाई करता है। कौन सेटिस्फाई करता है, बीन सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हम बीन डाल देते हैं ताकि आपके सेंटेंस का फॉर्मेट कंप्लीट हो सके, ठीक। बात आ गई समझ में। मैं सिर्फ इस हिस्से को मिटा रहा हूं और एक एग्जांपल और लिखते हैं, फिर इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे हम। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। बात आ रही है समझ में। अब इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस देखिएगा आप लोग। तो पहले मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपके लिए लिखता हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मतलब आईएनजी और प्लस टाइम फ्रेम के लिए फॉर लेसेंस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए ऊपर का पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, पहले आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। तो आप क्या करेंगे, आई हैव, अब क्या आ जाएगा, पहले नॉट आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर, या वर्ड्स में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, फॉर 10 years, ठीक है। क्या किया हमने, ये स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और ये जो बीन है इसके बीच में हमने नॉट लगा दिया, क्या करने के लिए, सेंटेंस को निगेट करने के लिए, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस और है हमारे पास, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां क्या करेंगे, शी हैज, अब फिर से क्या होगा, नॉट आ जाएगा, शी हैज नॉट बीन रीडिंग, शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। बात आ रही समझ में, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए आपके। अब नेगेटिव के बाद क्या आएगा, अब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो मैं नीचे के सेंटेंसेस को रहने देता हूं, ऊपर में मिटा देता हूं। यही पर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे, इंटरोगेटिव और दूसरा इंटरोगेटिव नेगेटिव और फिर इसके यूसेज, ठीक है। चलिए आइए, अब है हमारे पास इंटरोगेटिव, ठीक। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब हमें बाहर ले आना है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, हैज हैव, ये दोनों बाहर आ गए। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, बाकी चीजें आपको पता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म, फॉर या सिंस में से जो भी आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा। और चूंकि इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट, ठीक। तब इसी का इंटरोगेटिव बना लेते हैं, हैव आई बीन, Have I been living here for 10 years?
और क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब क्या हो गया, निगेटिव में क्या था कि मैं यहाँ 10 सालों से नहीं रह रहा हूँ, दूसरा क्या था कि वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, और अब जो क्वेश्चन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, तो क्या मैं यहाँ 10 सालों से रह रहा हूँ। ठीक, ये है पहले आ गया तो यस नो वाला क्वेश्चन बन गया। और एक सेंटेंस और है, ये भी देख लीजिए, हैज शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात आ रही समझ में, स्ट्रक्चर पढ़ना थोड़ा बोरिंग है मानता हूं मैं इस बात पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस जब टेंस में कंप्लीट करके वॉइस नरेशन में चलूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इतना टाइम स्ट्रक्चर को क्यों दिया। डन, अब पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। ठीक, अब हम कहां चलेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव पर। आखिरी स्ट्रक्चर आपका क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब आपके पास है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आएगा ही आएगा, यहां आप सबसे पहले लिखेंगे हैज और हैव। अब क्या होगा, अब आप लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, और निगेटिव है तो निगेट करने के लिए हम नॉट लगाएंगे, तो नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म में दोहराता रहूंगा जब तक आपको याद ना हो जाए, और लास्ट में फॉर या सिंस, और चूंकि इंटरोगेटिव भी है तो क्वेश्चन मार्क। बात आ गई समझ में, क्या बात आ गई समझ में, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दैट इज फोर्थ फॉर्म और फॉर और सिंस। अब इन्हीं का चलिए हम लोग निगेटिव बना लेते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। तो पहला सेंटेंस आपके पास क्या है, हैव आई बीन लिविंग, तो अब आप क्या लिखेंगे, हैव आई नॉट बीन लिविंग, हैव आई नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, फॉर 10 years। ठीक, अब एक आखिरी एग्जाम्पल और आपके पास क्या है, Has she been reading since morning? यहां भी बस आपको not लगा देना है। ठीक है, तो has she not been reading since morning? ठीक, ये थे आपके चारों स्ट्रक्चर्स, इसको फटाफट पेन डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक यूज है, ठीक है, और ये यूज मैं आपको ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में बता चुका हूं, लेकिन एग्जांपल्स अगर इनके हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो फटाफट इसको पेन डाउन करिए, इसके बाद यूज देखते हैं। चलिए स्ट्रक्चर्स हो गए, स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं यूज पे, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एक ही यूज है इसका, वैसे चाहे तो दो में इसको तोड़ भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी, तो एक यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको बताया था कि कोई काम अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ है, कोई काम अगर कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है और वो काम अभी भी कॉन्टिन्यूड है, तो वहां हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट भी लगाते हैं। और जब मैं बता रहा था आपको तो मैंने ये बात बताई थी कि वहीं पर हम क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आपके लिए रूल लिख देता हूं, एक ही रूल है या एक ही यूज है, डिस्टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस Distance is used to express an action that started in the past
and is still continued. उतनी ही बात है कि कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो, that started in the past and is still continued, मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले कोई काम शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, ठीक। जैसे छोटे छोटे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बस इतना ही बहुत हो जाएगा इसके लिए। शी हैज बीन delivering a speech for two hours। ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? उसने स्पीच देना, भाषण देना 2 घंटे पहले शुरू किया था, भाषण 2 घंटे से चल रहा है और वो अभी भी कॉन्टिन्यू है, मतलब उसका भाषण जो है, जो उसका स्पीच है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। सौरभ हैज बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट for 8 years, ठीक। मतलब सौरभ ने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना 8 साल पहले शुरू किया था और वो पढ़ाने का काम क्या है, अभी भी कॉन्टिन्यूड है, जारी है, ठीक है। बात आगे समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज कहां करते हैं? किसी भी उस कार्य के लिए जो कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, कुछ घंटे, कुछ साल पहले शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो, ठीक। और इसकी पहचान क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूं, has been और verb की fourth form, have been और verb की fourth form, और last में हम क्या लगाते हैं time frame के लिए, for और since लगाते हैं। तो for और since का मैंने आपको जो basic difference है वो मैंने आपको बता दिया था, और बाकी इन prepositions की चर्चा हम करेंगे जब हम preposition topic पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये क्लास मैं खत्म करने जा रहा हूं। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए अगली क्लास हम मिलेंगे पास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।